आप देख रहे हैं फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंकू। दोस्तों बने रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल पर, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके लिए नई लेटेस्ट प्रस्तुति लेके आए, जिसको प्रस्तुत किया है न्यू अनाथ बाबा बच्चन संगीत पार्टी ने, जिसके प्रोप्राइटर है अंकित कुमार मिश्रा, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, जिला सुल्तानपुर। दोस्तों देखते रहिए फनी मनोरंजन लाइव, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। दोस्तों और जो हमारे नए रिश्तेदार हैं उन लोगों से अनुरोध है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें। देखते रहिए फनी मनोरंजन लाइव, बजाते रहिए फनी मनोरंजन लाइव यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। समझाना चाहते हैं तो खाम खा छोटे तो जरा दिमाग लगा के सुनना। अरे यहाँ का तो राजा महाराज है।
अरे भैया तू कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ, जरा सोचिए, माँ के पैर महाराज रघुवीर सिंह जीवित है, अगर मान उनकी मौत आ गई, वो मर गए, तो उनके मरने के बाद उनका बेटा सूरज ताज का हकदार होगा, और आप कहते हैं महाराज बना दो। हम इसलिए नहीं हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो गई। भाई कुछ समझा नहीं, इतने दिन तुमको हम बॉम्बे में इसलिए नहीं रखे हैं कि तुम वहाँ पर सिर्फ लंगड़ाई करो, पढ़ो लिखो इसलिए नहीं, इसलिए कि तुम होशियार बनो। हमारी बात सुन, हो कि समझदार तू बन रहा नादान आज है, इधर खड़ा हूँ मेरे सामने, हो कि समझदार तू बन रहा नादान आज है, और दे बना महाराज मुझको सपना देखा आज है, सुनता है, हो कि समझदार तू बन रहा नादान आज है, और दे बना महाराज मुझको सपना देखा आज है, और सपना हकीकत का ये करके दिखा दे सपना हकीकत। हेलो क्या सोच रहे हो भैया? हाँ तो सपना पूरा कैसे हो समझ में आए राधे, पर वो की ख्वाहिश करते भैया तुम महाराज हो, और कहो फिर से कुछ भी कि भयंकर का कोई भाई है? हाँ किसी को मालूम है? तो यही काम तो तेरे लिए आसान होगा, अरे जा कल महाराज का दरबार लगेगा और उससे दर खत्म कर दो, जाकर के गोली मार दो, और उसके बाद अपने हेलीकॉप्टर में बैठो फुर और आ इधर। बंदूक रखो, अभी बंदूक, अब यह बंदूक कब रखी जाएगी? जब महाराज की मौत हो जाएगी, और सुनिए भैया, तब कल का सूरज देखे नहीं, जब वीर सिंह महाराज है, कल पड़े तो यहाँ पे भैया तुम महाराज
राज को मारना इतना आसान नहीं है। चारों तरफ उनके सैनिक होंगे, उनका मंत्री होगा, और हाँ हम भी वहां पहुंच सकते हैं। देखो भैया, वहां खून खराब होगा, भगवान के लिए तुम वहां बताना। और हाँ, अगर महाराज रघुवीर सिंह ने रियासत नाम रखने से इनकार किया तो भैरव सिंह से लेकिन गोली मारने से पहले पर खुदा रे बात याद रखना, मैंने कहा ना कि चारों तरफ सैनिक होंगे, हो सकता कि उनका मंत्री भी हो और हम भी वहां रहेंगे। और हमने कसम खाई है कि हमारे रहते हुए तुमको नहीं आ जाने दूंगा, चाहे हमें जान देना पड़े। तब तुम कैसे गोली मारोगे हमको? देखो भैया, यहाँ तो मैं भी झंडे भर गया ओम स्वाहा। तब हम तुमको एक तरकीब बताते हैं कैसे महाराज को मारोगे। बताइए भैया। शहरी लौटे हो, बंदूक हमको लाओ। वहां पर जाना तो सैनिक चारों तरफ होंगे, पहले तो उनको खत्म करना। मंत्री को हम रियासत में भ्रमण करने के लिए भेजते, और हम अगर वहां रहे या पहुंच भी जाए तो रिवाल्वर हम पर भी तान। आप पर भी रिवाल्वर? हाँ हाँ। और अगर बदले में हम भी तुम पर रिवाल्वर तान दें ऐसे ऐसे, तब क्या करोगे? अगर कोई मुझ पर रिवाल्वर ताने तो भारो काम तो क्या करता है? नाल उधर कर, गोली भरी है नाल उधर कर। पहले डर गए भैया? डर नहीं जाएंगे, इसमें लौट है गोली ला उधर इसी तरह, लेकिन नहीं चकमा दे देना। महाराज को मारना भी अगर बीच में हम भी आ जाए तो दो चार हंटर हमको भी लगा देना, गधे हो एकदम से। अरे उतनी समय हम तुम्हारे भाई नहीं है। मैं गधा हूँ? ये नहीं, मैंने नहीं, नहीं, मैं गधा हूँ। तो आप कौन है? गधे का भाई कौन होता है? फंसा दिया बात। अबे क्या चाले? हेलो, कहने का मतलब ये है कि हम वहां रहेंगे, महाराज को जो बताऊं जैसे पेश आओगे उसी तरह हमारे साथ पेश आना, वरना हम महाराज को मरने भी नहीं देंगे। ठीक है भैया, आपके कहने के अनुसार फनाउटी गुस्से में कमी नहीं होगा। और हम चलते हैं, और आप हम भी बात सुनो। सुनो पहले बात सुनो, ये होलिया जरा बदल लेना। गड़बड़ है क्या? ये गड़बड़ नहीं है, लेकिन दरबार जाओगे तो लोग समझेंगे कि कोई राजकुमार है। जरा लौंडे बन कर जाओ, गुंडा वाला लौंडा। ठीक है भैया। हाँ, बात ही बात में रात भी चाहिए। रात नहीं बीतनी चाहिए, तुम जाओ, हम भी तैयारी कराते हैं। ओम स्वाहा। महाराज, आज हमारा सपना पूरा होगा, क्योंकि आज की रात तुम मौत की नींद में सो जाओ। बकरवा, चल इधर, यहाँ की देखभाल करो, हम राज दरबार की तरफ जा रहे हैं। और अगर हवेली में कोई कमी आई तो हम थाने तेरी मुंडी कटवा ले। बिल्कुल ही कमी आएगी। सुख सुहावा नए कौरा तगड़ा कहे बुलायो, सुख सुहावा नए कौरा तगड़ा कहे बुलायो।
गाना लगा रहा था, गाना सो सोए मर रहा था। सुख गाना में सोए रहा था, वो कहा गया मछाड़ी, बोला उसको मछाड़ी, मैंने तुझसे कहा था कि जब हम आए यहाँ पर तो तू हमें हमेशा सामने मिलना। खाने को ताना नहीं, नहाने को तड़के। हाँ हटो, पकड़ इसको। अब हम चल रहे दरबार, और वहां अगर ऐसी वैसी हस्ती थी तो जानते हो हम क्या करेंगे? जानते हो? नहीं जानते हो? आओ मेरे पास आओ, आओ, हम तेरी नाक काट लेंगे। नहीं नहीं, कटाना होगा बनारस। आप तुम इंतजार करो हमें राजा बनने का। बहुत अच्छी बात, चलते हैं। चलिए देखो कैसे हम अपनी दोस्ती निभाते हैं। भैया हो, दो मिनट आओ, बिरहा हो जाओ, बाकी बाद में फिर आगे सुनिए। अरे बुलरी पर जो बिरहा गाई हे बदनिहा,
वालों, तमाशे पर गौर करो दोस्तों। इधर महाराज नींद में टापे हुए हैं, यानी सो रहे हैं, और इधर वही देखिए भयंकर सिंह का भाई भैरव पहुंचता है रात के 12 बजे। आगे होता क्या है, किसी आदेश के क्या मतलब है तुमसे, हमसे क्या चाहते हो हमसे? कार्य खुशा अभी नींद नहीं गई का, तू जानना चाहता है कि हम किस लिए आए हैं। तो रणवीर सिंह सुनो, अरे
अच्छा जी तेरे नाम लिख दो और बात हमारी मान के क्या तू भर ले बात हमारी मान के क्या तू भर भाई बनाई क्या तीर के बदले के चक्कर में तेरी जान जा सकती है तो जिस रास्ते से आया है यहाँ से वापस निकल जा अन्यथा यहाँ के सिपाही तुझे भारत जेल में डाल देंगे। लेकिन महाराज बद्री सिंह रियासत तुम्हारे नाम नहीं लिख सकता।